मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, राहु और केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं और जैसे ही केतु का गोचर कन्या राशि पे होगा, छह महाभाग्यशाली राशियां रहेंगी जिनको केतु जबरदस्त तरीके से फायदा दिलाएंगे। करोड़ों का फायदा इन छह राशि वालों को मिलने वाला है। जिस प्रकार से राहु अचानक से धन देता है या धन लेता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें देता है और लेता है, उसी प्रकार से केतु का भी काम होता है। ये भी राहु के ठीक सामने गोचर करते हैं और यदि अच्छे स्थानों पे बैठ जाए केतु तो ये भी अचानक से बड़े बड़े लाभ करवाने में सक्षम है। इनका गोचर लंबे समय तक रहता है, 18 महीने तक रहता है। 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर जाएंगे राहु केतु। इसकी मैं पूरी वीडियो में राहु की बना चुका हूं, एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, यह जो मैं केतु का गोचर फल आपको बताने जा रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपकी लग्न कौन सी है तो आप अपने राशि के अनुसार देखिए। अगर लग्न राशि कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस राशि फल को देख सकते हो। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अधिक सटीकता के लिए आप अपने लग्न के अनुसार देखें और साथ ही साथ राशि के अनुसार देखें, क्योंकि हो सकता है आपकी लग्न कुछ और हो, राशि कुछ और हो। दोनों में यदि फल अच्छा बताया गया है तो फल बहुत बढ़िया मिलेगा, एक में अच्छा एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले राशियों के क्रम में जो महाभाग्यशाली राशि दिखाई पड़ रही है, वह राशि दिखाई पड़ रही है वृषभ। वृषभ राशि में वैसे भी केतु का गोचर आपके छठे भाव में था, लेकिन अब केतु बैठ जाएंगे आपके पांचवें भाव में और राहु का गोचर होगा आपके एकादश भाव में। यहां पर जब केतु बैठेंगे तो पंचम भाव से अकस्मात धन हम देखते हैं, तो अचानक से लाभ मिलने वाला है। और अगर आपकी कुंडली में केतु मजबूत अवस्था में है तो आने वाले 18 महीनों तक आपको जबरदस्त लाभ ये करवाते रहेंगे। अगर आपका कोई ऐसा काम है जैसे कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं या आप ट्रेडिंग का काम करते हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आदि का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जमीन जायदाद से जुड़ करके कोई काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो आने वाले 30 अक्टूबर से 18 महीने तक लगभग 655-56 दिन तक जो केतु की कृपा है आपको जबरदस्त तरीके से मिलने वाली है। लेकिन केतु यहाँ पे एक गड़बड़ी भी करने वाले हैं। गड़बड़ी ये करेंगे कि एक तरफ गुरुदेव बृहस्पति जहाँ पे आपके संतान योग बनाएंगे तो वहीं पर केतु थोड़ा दिक्कत ये जरूर करेंगे आपके लिए कि संतान ये रुकने नहीं देंगे, यानी कि गर्भवती महिलाओं के लिए दिक्कत यहाँ पे खड़ी करेंगे। वैसे अगर पैसे के लिए देखें तो महाधनी योग आपके कुंडली में बनने जा रहा है। इधर राहु भी मेहरबान रहेंगे और उधर केतु भी मेहरबान रहेंगे। अगर गर्भवती महिलाएं गर्भ धारण किए हुए हैं तो उनके लिए सर्वोत्तम उपाय बन जाएगा गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करना। धन के लिए आर्थिक स्थिति को जबरदस्त तरीके से केतु और राहु बढ़ाने आ रहे हैं। दूसरी जो महाभाग्यशाली राशि है वह राशि है मेष। मेष राशि में राहु का गोचर तो 12वें भाव में जाएगा, 12वें का स्वामी केंद्र में माफ करिएगा धन भाव पे रहेगा, और उधर केतु जो है केतु सीधे आपके छठे भाव में गोचर करेंगे 30 अक्टूबर से, जिसके फलस्वरूप उन लोगों के लिए विशेष सुखद समय शुरू हो जाएगा जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमे बहुत ज्यादा हैं, उनके लिए तो बड़ा बढ़िया है समय रहेगा,
क्योंकि यहाँ पर केतु पर सीधे गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी। सावधानी आपको एक जरूर रखनी पड़ेगी, वो ये है कि कर्ज का लेन देन अक्टूबर से लगा करके कोशिश करिएगा 2024 में भी आप मत करिएगा, यानी कि पैसा किसी को दीजिएगा मत, अन्यथा पैसा आपका फंस जाएगा। और अगर कर्जा ले लोगे तो थोड़ा चुकाने में आपको प्रॉब्लम सॉल्व मतलब फेस करनी पड़ेगी। तो आपके लिए वैसे केतु का गोचर बढ़िया है, शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला, कोर्ट कचहरी मुकदमों से राहत दिलाने वाला रहेगा, और वैसे भी आपकी आर्थिक स्थिति तो आने वाले समय में बड़ा गजब की हो जाएगी, देखने लायक होगी, बहुत बढ़िया आर्थिक स्थिति आपकी बनने वाली है। तीसरी जो महाभाग्यशाली राशि है जिस पर केतु के राशि परिवर्तन का बड़ा बढ़िया प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, वह राशि दिखाई पड़ रही है कर्क। कर्क राशि में केतु तीसरे भाव में भ्रमण करने लगेंगे, तीसरे भाव में राहु हो या केतु हो बहुत बढ़िया फल देते हैं। उधर गुरुदेव बृहस्पति का पंचम दृष्टि केतु पर पड़ेगा, तो केतु जहां पे बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, और गुरु की दृष्टि में चूंकि अमृत होता है तो वहां पर भी वृद्धि के योग बनेंगे। तो इस समय राहु केतु की कृपा से जबरदस्त तरीके से आपको धन का लाभ होगा। हो सकता है यहाँ एक दिक्कत भी आपको हो, इस समय एनर्जी लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और एनर्जी लेवल जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं क्रोध की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो थोड़ा संभल करके रहिएगा, क्योंकि केतु एक तरफ धन देगा तो कहीं ना कहीं नौकर चाकरों से मनमुटाव करा देगा, छोटे भाई बहनों से अलगाव की स्थिति उत्पन्न करा देगा। पैसा तो ये जबरदस्त देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है, पैसा धुआंधार आपके पास आएगा, लेकिन वहीं पे माइनस पॉइंट भी बन जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये कमी भी करेगा। तो पैसे के लिए आपका यह गोचर केतु का बहुत बढ़िया है। जैसे ही केतु राशि परिवर्तन करके आएंगे, कर्क राशि वालों के दिन धीरे 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 बदलना शुरू हो जाएंगे। अगली जो भाग्यशाली राशि है वह राशि दिखाई पड़ रही है सिंह। सिंह राशि में राहु का गोचर आठवें भाव में होगा, आठवें भाव में बैठ करके उन लोगों के लिए बड़ा बढ़िया शानदार काम करेगा राहु, जो लोग रिसर्चर वगैरह हैं। और वहां पर केतु अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं कुंडली के द्वितीय भाव में, यहां पर बैठ करके केतु जबरदस्त आपको फायदा कराने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड धन आपको दिलाने वाले हैं, लेकिन संभल करके, वो ये कि गुरुदेव की इनके ऊपर दृष्टि पड़ेगी, द्वितीय भाव में केतु रहेंगे, वाणी बहुत ज्यादा कर्कशीय कर देंगे, पैसा आपको धुआंधार देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं अक्सर बताता हूं वीडियो में, ग्रह सब कुछ नहीं देता है, कुछ देता है तो कहीं ना कुछ कहीं कुछ कमी करता है। तो वाणी पर यदि संयम नहीं रखोगे तो मान के चलो परिवार से अपनों से मतभेद के लिए तैयार रहना, क्योंकि मतभेद हो जाने के योग यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे धन के लिए केतु बहुत बड़ा आपके लिए फायदा कराने वाले हैं, आप कह सकते हो करोड़ों का फायदा, अनएक्सपेक्टेड फायदा, जहां से उम्मीद नहीं है वहां से भी धन आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, अगर आपकी सिंह लग्न है या आपकी सिंह राशि है। इसके बाद जो अगली भाग्यशाली राशि दिखाई पड़ रही है वह राशि दिखाई पड़ रही है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को तो आप कह सकते हो जबरदस्त तरीके से करोड़ों रुपए का फायदा कराने आ रहे हैं केतु देव, क्योंकि एक तरफ राहु आपके बैठ जाएंगे पंचम भाव में, हालांकि पंचम भाव में राहु का बैठना बहुत बढ़िया नहीं है विद्यार्थियों के लिए, अगर विद्यार्थी आप हो या प्रेमी जोड़े हो तो इस समय प्रेम में तो निश्चित तौर पे दिक्कत देखने को मिलेगी, विद्यार्थियों को थोड़ा स्ट्रगल अधिक करना पड़ेगा, संघर्ष के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि विद्या के मालिक गुरु भी घुस जाएंगे सातवें भाव में। लेकिन पैसे के लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, व्यापार से लाभ, नौकरी से लाभ, किसी भी प्रकार का साइड बिजनेस करते हो तो लाभ, यात्राओं से लाभ,
यानी कि लाभ के दरवाजे चारों तरफ से केतु देव और राहु देव खोलने आ रहे हैं। ऐसी ऐसी जगहों से आपको पैसा मिलेगा आने वाले लगभग 1.5 वर्षों तक, यानी कि आप कह सकते हो शुरुआत 2025 तक, 2023 से 2025 तक, जहां से आपने कल्पना भी नहीं की होगी वहां से भी आने वाले समय में आप को केतु मालामाल करने वाले हैं। आपको थोड़ा एक उपाय जरूर करना चाहिए कि अगर आपकी वृश्चिक लग्न है, ध्यान रखिएगा लग्न है, तो आप किसी से नजदीकी एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले लीजिएगा एक बार। और यदि आप लहसुनिया पहन लोगे अक्टूबर के बाद, जब ये राशि परिवर्तन करें तो लहसुनिया यदि आप पहन लोगे तो मान के चलो उतना पैसा पैदा कर लोगे जितना आपने दसियों साल में नहीं पैदा किया होगा। लेकिन बगैर किसी के परामर्श के मत धारण करिएगा लहसुनिया, पता लगा कुंडली में केतु नीच में पाप कर्तृयोग में या नीच राशि में बैठा है तो उठा के लहसुनिया पैसा दे या न दे, हाथ पर पहले तोड़ दे, एक्सीडेंट योग बना दे। तो बगैर परामर्श के मत पहनिएगा, वरना अगर लहसुनिया आपको सूट कर गई, केतु ने आपका सपोर्ट कर दिया, तो 18 महीने तक वृश्चिक लग्न वालों के लिए बल्ले बल्ले होने वाली है। एक चीज मैं और बता दूं, बहुत से लोग राशि के अनुसार नग पहन लेते हैं तो जानबूझ के अपनी जान को वो काफा पाल लेते हैं। राशि के अनुसार जो नग पहनता है उसका बंटाधार हो जाता है, नग कभी भी राशि के अनुसार नहीं पहनने चाहिए। तो भैया आप भी महाभाग्यशाली राशि में से हो, अगर आप नग वगैरह नहीं भी पहनोगे और आपकी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है तो भी आने वाला जो समय है पैसे को लेकर के बहुत बढ़िया है, आपको करोड़ों का लाभ होने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद जो अगली राशि दिखाई पड़ रही है जिनके ऊपर जबरदस्त केतु देव कृपा बरसाने वाले हैं, वह राशि दिखाई पड़ रही मकर। मकर राशि में केतु देवता आपके भाग्य भाव में रहेंगे, राहु तीसरे भाव में रहेंगे, तीसरे भाव में या भाग्य भाव में बैठ करके जबरदस्त फायदा देते हैं राहु केतु दोनों ग्रह मिलकर के। यहां पर आपके लिए भी 18 महीने के लिए सुनहरे अवसर मिलेंगे, लेकिन आप भी एक चीज ध्यान रखिएगा, पैसा तो खूब देंगे, केतु भी देंगे, राहु भी देंगे, पैसे की कमी आने वाले 18 महीने तक मकर लग्न मकर राशि वालों को नहीं रहने वाली किसी भी प्रकार की। लेकिन भैया नौकर चाकर पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट मत करिएगा, आंख खोल करके रखिएगा। और दूसरी चीज, छोटे भाई बहनों से थोड़ा प्यार से पेश आइएगा, प्रेम व्यवहार बना करके रखिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं आपको उनसे वैचारिक मतभेद होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस समय आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं करोगे, यानी कि शारीरिक श्रम तो आपसे बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में मान के चलिए केतु आप पर मेहरबान है, भाग्य जबरदस्त तरीके से मजबूत करेंगे। इसके बाद जो अंतिम महाभाग्यशाली राशि दिखाई पड़ रही है, वह राशि दिखाई पड़ रही है कुंभ। अगर आपकी कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है तो केतु का गोचर आपके 8वें भाव में होने वाला है और राहु आपके धन भाव पे बैठेंगे। इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं राहु और केतु की कृपा आपको भी मिलने वाली है, क्योंकि अष्टम भाव में केतु और राहु अनएक्सपेक्टेड चीजें देते हैं जिस जो आप कल्पना नहीं करते हैं, उस स्थान से भी आपको कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक हो, पैसा आपके पास खूब आएगा, लेकिन वाणी संभल करके प्रयोग करिएगा। पहली चीज, वाणी दोष आपकी कुंडली में बहुत भारी मात्रा में बनेगा। और दूसरी चीज, आपको अगर आपकी कुंभ लग्न है, एक विशेष सावधानी ये रखनी है कि आप गाड़ी यदि सेल्फ चलाते हो तो बहुत ज्यादा आपको संभालने की जरूरत रहेगी, बहुत संभाल करके चलाइएगा, क्योंकि केतु पैसा तो देंगे लेकिन कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठे हैं तो ये चोट चपेट दुर्घटना भी दे देंगे, खास करके उन लोगों को जिन लोगों की केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है। तो अगर महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैसे के लिए आर्थिक लाभ के लिए केतु का यहाँ पर अष्टम भाव में गोचर करना बहुत बढ़िया है।
वाणी संभल करके प्रयोग करिएगा। और दूसरी चीज, लग्नेश आपके लग्न में बड़ा बलवान स्थिति में बैठे हुए हैं, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। ओम संग शनिश्चराय नमः या ओम शनिश्चराय नमः जितनी बार इजिली हो सके आप कम से कम 51 बार प्रतिदिन जप कर लें। आपके लिए आने वाला जो पल है, आने वाला जो समय है, वह सुनहरा समय है, आपको भी खुश होना चाहिए। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।